हाँ सर। सुशीला जी नमस्ते सर। नमस्ते। तो ये आपने क्या तैयार किया है? ये उन्नत देसी खाद तैयार की है। हाँ। इसे हमारे गांव में पहले भी तैयार किया था 5-6 महीने पहले, तो उसमें फसल भी उत्पादन बड़ा था, इसमें खरपतवार नहीं उगी उस फसल के अंदर और वो दमक नहीं लगी। हाँ। बहुत सारा फायदा हुआ, उत्पादन बढ़ने लगे और इस कारण हमारे गांव में अभी आज ये उन्नत देसी खाद तैयार की है। RCT वालों की मदद से हम सभी ने मिल करके ये खाद तैयार कर रहे हैं। तो कैसे हुआ आपके तिल, आप बताइए तिल के बारे में क्या? हाँ, 1 किलो तिल हमने उसमें मतलब खेती की थी, 1 किलो और 1 किलो में हमें 2.5 क्विंटल वापस प्राप्त हुआ था। पहले इतना नहीं होता था, अबे हमें फसलों में उत्पादन की मात्रा बढ़ रही है, खरपतवार भी नहीं उग रहा है और उसके साथ साथ में गुणवत्ता भी अच्छी है क्योंकि क्वालिटी बढ़ रही है, उसमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो रहा। तो पहले आपने कहाँ पे RCT में काम किया, कौन सा गांव था आप पहले आके? फिटकासनी में। और यह आप कैसे है? अभी हमारे गांव जुड़ में ये तैयार, जुड़ के अंदर जो आपको ये पीर है वहाँ पे आपने ये। तो क्या आप इसको आगे करेंगे इसको? हाँ, आगे करेंगे जरूर, हमें फायदा हो रहे हैं तो आगे ये करेंगे, ये करेंगे। और यदि मालो ढिकले इकट्ठा करते हैं उसमें क्या नुकसान है क्या? उसमें तो दमक लग जाती है और फिर खरपतवार भी फसलों के अंदर बहुत ज्यादा हो जाती है, गुणवत्ता इतनी नहीं रहती है, इसमें गुणवत्ता होती है, गैसें इसमें साथ साथ में बनती है और अच्छी फसल उत्पादन देती है। अच्छा, तो सुशीला जी इसको आगे आपको करना है। और हमारे साथ में प्रदीप जी है जो ये गांव के अंदर है, RCT के ही है आप इंचार्ज, तो ये आपके गांव में लगे हैं, इनको भी बहुत धन्यवाद। मानव जी हमारे साथ में और मेरे साथ आपके साथ में सभी है जो अभी मैंने देखा, अजोला भी आवश्यक करे यहाँ पे, आप जीवामृत भी आपने देखा बड़े है क्योंकि आपने यहाँ जीवामृत काम में लिया है, इसलिए क्या कि 1.5 महीने में आपके तैयार हो जाएगा। तो आपको कैसे पता चलेगा कि 1.5 महीने में हो गया? ऊपर क्या है कि क्या आ जाएगी, आपने देखा 13 आ जाएगी और क्या होगा ये नीचे बैठने लगा। तो आप सुशीला जी बहुत अच्छा काम किया, आपने वहाँ देखा है, आपको एक्सपीरियंस है और यहाँ पर भी आप करा रही है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुशीला जी।